हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी द रेशियो ऑफ एबी टू एसी इज 1:√2। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan A/1 tan²A। बच्चे इस क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें बी 90 डिग्री पे है, ओके okay? और हमें दो साइड्स का रेशियो गिवन है, ए बी रेशियो ए सी गिवन है 1:√2 और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे, नाइन्टी डिग्री बी है तो यहां पे लिख देंगे बी ए सी, ठीक है, और हमें साथ में रेशियो भी गिवन है ए बी रेशियो ए सी, ए बी और ए सी की रेशियो यानी इन दोनों की रेशियो गिवन है 1:√2। तो कभी भी इस तरह से रेशियो गिवन हो सबसे पहले लेट करना होता है हमें, लेट ए बी इक्वल टू 1 है ना, तो यहां पे आ जाएगा एक्स, 1x नहीं लिखते सिर्फ x आएगा, और ए सी इक्वल टू √2x। तो बच्चे ए बी आ जाएगा यहां पे x और यहां पे आ जाएगा ये √2x, ठीक है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2 tan A/1 tan²A की। अब यहां पे एक छोटी सी बात है, यहां पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो है tan, अगर हम tan की वैल्यू फाइंड कर लें और यहां पुट कर दे दोनों में तो आंसर आ जाएगा। अब tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां पे एंगल A है ना, A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये वाला होगा, बेस होगा ये, बट हमें परपेंडिकुलर पता ही नहीं है कितना है। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, मतलब ये बीसी साइड जो है ये फाइंड कर लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच है √2x, बेस इसको लेंगे बीसी को, परपेंडिकुलर लेंगे ए बी यानी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। √2x का स्क्वायर करेंगे तो बच्चे ये आएगा 2x² प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वहां जाके इसमें से माइनस होगा तो 2x² माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा x², स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहां से बीसी की वैल्यू आ गई x, मतलब ये भी x आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले ना हम फाइंड कर लेते हैं tan A, tan A होता है P अपॉन में B, परपेंडिकुलर क्या होगा A के अकॉर्डिंग, बच्चे एंगल A के अकॉर्डिंग जो ऑपोजिट वाली साइड होगी वो होगा परपेंडिकुलर यानी BC, और BC की वैल्यू आई है हमारे पास x अपॉन, बेस क्या होगा एंगल ए के अकॉर्डिंग जो एडजेसेंट साइड है साथ वाली साइड है वो है एक्स, तो ये कट के कितना आ गया 1, तो टेन ए की वैल्यू मिल गई हमें 1, यहां वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। टू इंटू टेन ए की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 स्क्वायर 1 ही होगा वैसे तो, 2 इंटू 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2, तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1।